हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित कुमार। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है पोटेंशियल जी। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि ये मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल है, जैसे कि आप लोग ने देख जानते ही हैं। और मेरा नाम क्या है? ललित कुमार। तो आप मेरे को अन अकेडमी पर मेरे नाम ललित कुमार से सर्च कर सकते हैं और मेरे को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और यह है मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी। आप इस कोड का यूज़ करके 10% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। और ये हमारे कुछ प्लान्स हैं, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का और 12 मंथ का। तो आप इसमें से कोई सा भी प्लान यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं और उसमें डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या टाइप करना है? पोटेंशियल जी, ये आपको यहाँ पर टाइप करना है। सही है फ्रेंड्स? तो ये बात हो गई हमारे बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है, आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज हम डिस्कस करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताने वाला थेवेनिन्स थ्योरम क्या है, मैं आपको बस एक क्वेश्चन कराऊंगा और उससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि थेवेनिन्स थ्योरम क्या होती है। तो अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं और उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थेवेनिन्स थ्योरम। सही है फ्रेंड्स? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको मैं क्वेश्चन से ही यहां पर आपको समझा दूं। तो यह है, अब थेवेनिन्स थ्योरम में होता क्या है, हमको अपने लोड में करंट निकालनी है। और सपोज करो हमारे पास जो सर्किट है वो कुछ इस टाइप का है। हम यहां पे सर्किट बना लेते हैं। यह है मेरे पास सर्किट, ये हो गया। सही है, यह है सर्किट। तो यह आ गया हमारे पास। सही है फ्रेंड्स, यह आप देख सकते हैं, यह हमारा सर्किट है। यह है हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी, यह आपके पास है 8 वोल्ट की बैटरी, और यह है आपके पास 4 ओम का रेजिस्टेंस, यह आपके पास है 2 ओम का रेजिस्टेंस। और अब यहाँ पे जो आपका कनेक्ट किया हुआ है, यह आपके पास है एक लोड रेजिस्टेंस, यह आपके पास है पॉइंट ए, यह है पॉइंट बी, और इसके बीच में आपका लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट है जिसकी वैल्यू है आपके पास 5 ओम। तो आपको इसमें क्या कैलकुलेट करनी है, आपको यहाँ पर करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। तो आपको इस ए बी में जो आपके पास ये लोड है 5 ओम, इस रेजिस्टेंस में आपको यहाँ पे करंट फाइंड करनी है कि टोटल करंट इस लोड में कितनी है। अब फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप यह है कि जिस रेजिस्टेंस में आपको करंट फाइंड करनी है उस रेजिस्टेंस को आप इस सर्किट में से रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, स्टेप फर्स्ट का मतलब यह है कि आप इसमें से रिमूव कर देंगे आप 5 ओम के रेजिस्टेंस को। तो जब आप इसको रिमूव करेंगे तो आपके पास जो सर्किट है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये आपके पास सर्किट बनेगा कुछ इस टाइप का। सही है फ्रेंड? तो यह है फ्रेंड्स, आज मेरी जो तबीयत है थोड़ी सी ख़राब है, तो मेरी आवाज़ हो सके आपको ढंग से ना आए, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास है 4 ओम का रेजिस्टेंस, फिर ये आपके पास है 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपके पास है 6 वोल्ट की बैटरी, ये आपके पास है 8 वोल्ट की बैटरी, ये था हमारे पास पॉइंट ए, ये था आपके पास पॉइंट बी, ये था। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ से रिमूव कर दिया 5 ओम के रेजिस्टेंस को। मतलब यहाँ पे जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है ये आपके पास क्या है, लोड। आप इसको यहाँ पे बोल सकते हैं लोड रेजिस्टेंस RL इज इक्वल टू 5 ओम, ये है हमारे पास। अब लोड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, सपोज करो ये मेरा मोबाइल हो सकता है, ये मेरा पंखा हो सकता है, ये मेरा AC हो सकता है, मेरा कूलर हो सकता है, हम यहाँ पे इसको कुछ भी मान लेते हैं।
अब अगर मैं इस लोड को अपने इस सर्किट में कनेक्ट करता हूं, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे इस लोड में जो मेरा कूलर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, पंखा हो सकता है, एसी हो सकता है, इसमें कितनी करंट आ रही है। अब जब हमने इस लोड को यहां से हटाया, सपोज करो ये मेरा एक घर है, ये मेरा एक घर है, जब हमने यहां से लोड को हटा दिया और इस घर में मेरी इस टोटल बैटरी की वजह से कितनी करंट इस घर में आ रही है, सबसे पहले तो मैं इस घर में अपनी टोटल करंट फाइंड कर लूँगा और उससे यानी कि टोटल करंट फाइंड कर लेंगे और टोटल वोल्टेज फाइंड कर लेंगे कि मेरा जो ये घर है जब मैंने मोबाइल यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। सही है, जैसे कि आपको पता होगा हम जब हम अपना मकान बनाते हैं और उस मकान में हम कुछ स्विच लगाते हैं, कुछ प्लग लगाते हैं अपना, जिससे कि हम अपना मोबाइल चार्ज कर सकें, अपना एसी कनेक्ट कर सकें, तो उस पॉइंटों के बीच में हमारे कितनी वोल्टेज आ रही है, और जब मैं उसमें अपने मोबाइल को लगाऊं तो उस मोबाइल में कितना करंट फ्लो होगा, क्योंकि हर डिवाइस का अपना अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो हम यहाँ पे अपने लोड को वेरी कर सकते हैं। सही है फ्रेंड, तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हमने अपना मोबाइल कनेक्ट नहीं किया है, मतलब जब हमने अपना लोड कनेक्ट नहीं किया है, तो उस केस में हमारे सर्किट में मींस हमारे घर में कितनी करंट आ रही है और कितना हमारे घर में वोल्टेज है, तो हम उसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब हम यहाँ पे निकालते हैं, तो सपोज करो ये मेरा क्या है, करंट का पाथ है। हमने क्या करा, यहाँ से इसको रिमूव करा, तो ये मेरा क्या है, एक करंट का पाथ है, ये हो गया। तो अब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, अब आप यहाँ पे लगाएंगे इसको, ये हमारा एक मेस बन गया। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास, अब हमारे जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है, यहाँ से आपके पास से ये होगा पॉजिटिव, ये होगा आपका नेगेटिव। अब हमारा करंट जो है वो किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, हमारा करंट इस तरीके से चल रहा है ना, देखो हमारा करंट का पाथ कुछ इस तरीके से है, ये हमारा करंट का पाथ है, आप देख सकते हैं इसको। सही है फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज़ कर लेता हूँ, तो ये हमारा पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव होगा, ये हमारा नेगेटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये हमारा नेगेटिव होगा, ये तो पॉजिटिव होता ही है और ये हमारा नेगेटिव है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे है वोल्टेज राइज, हमने इसको आर लिख लिया, यहाँ पे हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप, हमने इसको ड्रॉप लिखा, ये भी हमारा हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप, हमने इसको ड्रॉप लिखा, यहाँ भी हमारा हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप, हमने इसको ड्रॉप लिखा। अब यहाँ पे हमारे सर्किट में करंट कितनी है आई, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, ये हो गया। तो अब राइज कितना है, राइज है हमारे पास ए, और ड्रॉप क्या क्या हो रहा है, तो ड्रॉप देखिए, अब इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो ये हो जाएगा आई इंटू टू, टू ओम का रेजिस्टेंस, प्लस अब ये हमारे पास है फोर ओम का रेजिस्टेंस, तो आई इंटू फोर, और ये हो जाएगा प्लस, ये आएगा हमारे पास सिक्स। तो यहाँ से हमारे पास कितना आया, एट माइनस का सिक्स इज इक्वल टू, ये कितना आ गया हमारे पास, फोर आई। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आई मेरे पास आ जाएगा टू अपॉन फोर, आप इसको देख सकते हैं, नहीं ये हमारे पास क्या है, सिक्स। सही है, आप इसको सिक्स करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास कितना है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, रफ कर लेते हैं, ये हमारे पास कितना हो गया, तो ये हो गया हमारे पास सिक्स। तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा, टू अपॉन सिक्स, और जब आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.33 एम्पियर, ये आ गई आपके पास। सही है, आपके पास सर्किट में करंट कितनी आ गई, यानी कि आपके घर में करंट कितनी है, तो आपके घर में जो करंट आई है वो हमारे पास कितनी आई है, आई इज इक्वल टू 0.33 एम्पियर, ये हमारे घर में क्या है, करंट है। अब आप ये निकालेंगे कि यहाँ पे पॉइंट ए पे, जो हमारा पॉइंट ए है, मतलब जहाँ पर आपको अपना मोबाइल कनेक्ट करना है, जिस सॉकेट में आपको अपना मोबाइल कनेक्ट करना है या जिस सॉकेट में आपको अपना एसी कनेक्ट करना है, उस सॉकेट में कितनी वोल्टेज है, तो आपको इस पॉइंट पे आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट पे हमारा कितना वोल्टेज है। तो आप देख सकते हैं, अब आपको मैंने बताया है, सपोज करो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यह है, सही है, हम यहाँ पे लेके चलते हैं, तो यह है, ये था हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास दोबारा बना लेते हैं, गलत बन गया। तो अब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लेके आते हैं। अब सपोज करो ये हमारे पास होता है एक रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास R, और ये मेरे पास कितना है, ये है मेरे पास वी ए और यह है मेरे पास वी बी, और इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है सपोज करो आई। तो अब मेरे को अगर वी ए कैलकुलेट करना है, अगर मेरे को वी ए कैलकुलेट करना है या सपोज करो मेरे को वी वी कैलकुलेट करना है, हम सपोज करो हमको वी वी कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है वी ए माइनस का वी वी इज इक्वल टू कितना होगा आई आर, ओम्स लॉ होगा, और आपको क्या निकालना है वी वी निकालना है। तो आप वी वी कैसे निकाल सकते हैं, तो वी ए माइनस का आई आर इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास वी वी, आप इस तरीके से वी वी निकाल सकते हैं। सही है फ्रेंड्स, तो इसी चीज़ को हमको यहाँ पर भी फॉलो करना है। तो अब हमारे पास क्या है, यह है, तो आप देखिए ये आपके पास क्या है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपके पास है वी ए, आप इसको मान लीजिए वी ए, या वी ए की जगह आप इसको मान सकते हैं वी थेविनिन। सही है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा थेविनिन वोल्टेज होगा। थेविनिन वोल्टेज क्यों, क्योंकि हमको इसी पॉइंट पे वोल्टेज कैलकुलेट करना है, इसीलिए हम इसको बोल लेते हैं थेविनिन वोल्टेज। अब यहाँ का वोल्टेज कितना है वी थेविनिन, और यहाँ का वोल्टेज कितना है 8 वोल्ट, और वी थेविनिन और 8 वोल्ट के बीच में कितना रेजिस्टेंस है हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, देखिए ये मेरे पास हो गया वी थेविनिन, सही है, और ये है मेरे पास 8, तो ये मेरे पास क्या आया वी थेविनिन, ये मेरे पास है 8 वोल्ट, और इसके बीच में रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 2 एम्पियर, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है आई, और आई की वैल्यू हमने निकाली ली है 0.33 एम्पियर। तब हमको क्या निकालना है वी थेविनिन, तो वी थेविनिन निकालने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वी टी एच, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अपना वी टी एच, फिर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 8 वी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आई इंटू 2। सही है, और आपको क्या निकालना है वी टी एच निकालना है। तो वी टी एच निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे वी टी एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सही है फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको गलत लिख दिया है, वी टी एच इज इक्वल टू दिस, ये क्वांटिटी है, क्योंकि ये हमारे पास कैसा है ये, क्योंकि हमारी जो करंट है वो यहाँ से फ्लो हो रही है, इस वाले से हमारी करंट फ्लो हो रही है, तो ये होगा हमारे पास प्लस और ये होगा हमारे पास नेगेटिव। सही है फ्रेंड्स, तो आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तब उस केस में ये हमारे पास कितना होगा 8 माइनस का वी टी एच इज इक्वल टू, ये होगा मेरे पास 2 आई, क्योंकि हमारी जो करंट है वो 8 वोल्ट से फ्लो हो रही है, हमारी करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, पीछे हमने करा था ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास वी टी एच इज इक्वल टू 8 माइनस का 2 इंटू 0.33, ये आ गया। तो यहाँ से हमारे पास वी टी एच की वैल्यू कितनी आ गई, तो वी टी एच आ जाएगा मेरे पास 7.33 वोल्ट। तो ये मेरे पास क्या आ गई वी थेविनिन, यानी कि थेविनिन वोल्टेज आ गई। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे जो मेरा वोल्टेज है, इस वाले पॉइंट पे जो मेरा वोल्टेज है वो कितना आया निकल के, वो निकल के आया 7.33। तो फ्रेंड्स ये आ गया मेरे पास वी थेविनिन, और मेरे पास क्या आ गई करंट आ गई, तो मेरे पास वी थेविनिन आ गया। अब मेरे को करना क्या है इस क्वेश्चन में, अब मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया, वो सॉरी मेरे पास वी थेविनिन आ गया, अब मैं निकाल लूँगा कि मेरे पास सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, मैं अपने इस सर्किट में रेजिस्टेंस को फाइंड करना चाहता हूँ। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम सर्किट बनाएंगे, और अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो आपकी सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्स लगे हैं आप उन सबको रिमूव कर देंगे। तो हम अपने जितने भी हमारे वोल्टेज सोर्स हैं हम उन सबको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, चाहे वोल्टेज सोर्स हों चाहे हमारे पास करंट सोर्स हों। तो हमने क्या करा, उनको यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो अब जब हम इसको रिमूव कर देंगे तो हमारे पास कुछ सर्किट इस तरीके से बनेगा, और रिमूव करके ये क्या हो जाता है शॉर्ट, तो ये हमारे हो गए शॉर्ट सर्किट। ये हमारे पास क्या था पॉइंट ए, ये था हमारे पास पॉइंट बी। अब मेरे को ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगर मैं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए पॉइंट बी कैसा है, हमारा पैरेलल है।
तो ये मेरा पास कैसा है पैरेलल, ये था मेरे पास 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये था मेरे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस, और ये आपस में कैसे हैं पैरेलल। तो यहाँ पे मेरे पास जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, 1/4 + 1/2। और जब हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर इक्विवेलेंट मेरे पास कितना आएगा, 1.33 ओम ये आ जाएगा। और इस आर इक्विवेलेंट को हम क्या बोलेंगे, आर थेविनिन, क्योंकि हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में थेविनिन अपना टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए और बी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आर थेविनिन। तो हमारे पास आर थेविनिन कितना आ गया, 1.33 ओम। तो ये मेरे पास आ गया 1.33 ओम, सही है फ्रेंड्स। तो मेरे पास आर थेविनिन भी निकल के आ चुका है, बहुत ही अच्छी बात हो गई। अब आप देख सकते हैं मेरे पास आर थेविनिन आ गया, मेरे पास वी थेविनिन आ गया, तो वी थेविनिन की वैल्यू कितनी थी, तो फ्रेंड्स वी थेविनिन की वैल्यू थी 7.33 ओम। तो मैंने क्या करा, अपने सर्किट में जो मेरा घर था, मैंने अपने घर में ये देखा कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है और टोटल वोल्टेज कितना है, पॉइंट ए मतलब जो मेरा सॉकेट था, मेरे घर में जो सॉकेट लगा हुआ है उस सॉकेट के क्रॉसपॉन्डिंग कितना मेरे पास वोल्टेज है और कितना मेरे पास आर थेविनिन है और टोटल करंट कितनी आ रही है मेरे घर में, इसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब मेरे पास आर थेविनिन आ गया, मेरे पास VTH आ गया। अब मैं अपना सर्किट बना लेता हूँ। अब जो मेरा सर्किट बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। तो ये तो हो गया मेरे पास आर थेविनिन, ये आ गया, और ये मेरे पास हो गया VTH, हम इसको बोलेंगे यहाँ पे VTH, ये हो गया VTH। अब VTH, अब मैं अपना लोड को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये था मेरा पॉइंट ए और ये था मेरे पास पॉइंट बी, और मेरा जो लोड था वो मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, ये था मेरे पास लोड RL, ये हो गया। अब RL की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 5 ओम ये हमको दी हुई है। RTH की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 1.33 ओम, और VTH की वैल्यू कितनी है, 7.33 वोल्ट। तो अब देखिए यहाँ से हमारी करंट चलेगी I, हमको I निकालना है किसमें, RL में। अब ये सर्किट हमारा सीरीज में है, तो जो करंट मेरी RTH में होगी वही करंट मेरी RL में होगी। तो ये हो गया मेरे पास, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, VTH इज इक्वल टू I RTH प्लस के I RL, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा मेरे पास VTH, I मेरे पास कॉमन आ गया, और इसको मैं लिख सकता हूँ RTH प्लस के RL, ये हो गया। अब यहाँ से मेरे पास I कितना आ गया, तो I आ गया मेरे पास VTH अपॉन के RTH प्लस के RL, ये आ गया फ्रेंड्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट, सही है, ये हमारे पास करंट आ गई। अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे करंट निकालनी है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे VTH, VTH कितना था मेरे पास, 7.33 ये था। RL की वैल्यू कितनी थी, 1.33, और सॉरी थेविनिन की RL की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I कितना आ जाएगा, 1.16 एम्पियर। तो फ्रेंड्स ये आ गई हमारे पास करंट्स। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने करंट को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, तो हमारे पास जो RL में करंट आई वो कितनी आई, 1.166, और हमारे पास RTH में करंट कितनी है, 1.16, क्योंकि RTH और RL हमारे सीरीज में हैं, तो जो करंट मेरी RTH में होगी वही करंट मेरी RL में होगी, सही है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहला स्टेप क्या था कि जिस रेजिस्टेंस में आपको करंट निकालनी है उस रेजिस्टेंस को आप सर्किट से बाहर निकाल देंगे, फिर आपके पास एक सर्किट बचेगा, फिर आप उस सर्किट में देखिए टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है, आप टोटल करंट निकाल लेंगे। उसके बाद आपको जिन पॉइंटों के बीच में आपको करंट फाइंड करनी है जिस रेजिस्टेंस में, उस रेजिस्टेंस को आप एक सॉकेट मानिए और ये मानिए कि उस सॉकेट में कितना वोल्टेज है। अगर आप मोबाइल कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे कितना वोल्टेज है, तो आपने वोल्टेज निकाल लिया। अब आप ये निकालिए उस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग्स आपका रेजिस्टेंस कितना है, तो आप अपना रेजिस्टेंस फाइंड कर लिए। अब आपके पास VTH आ गया, आपके पास RTH आ गया, आप फिर अपना लोड कनेक्ट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया। तो फ्रेंड्स इस टाइप से आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो आप प्लीज़ मेरे को बता देना। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।